मैं प्रिया आपके साथ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा आज मणिपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। सरमा मीटिंग में अमित शाह को मणिपुर के हालात की रिपोर्ट देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्री ने सरमा को मणिपुर में हिंसा को कंट्रोल करने के लिए जरूरी कदमों का फ्रेमवर्क तैयार करने का काम सौंपा था। इसके असम के सीएम ने 10 जून को मणिपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की थी। सरमा नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेशन काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, इसलिए उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है। 12 जून को इम्फाल में संदिग्ध आदिवासियों और नागरिकों के बीच गोलीबारी हुई, इसमें एक कुकी की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए। हिंसा के चलते राज्य में इंटरनेट 15 जून तक बैन बढ़ा दिया गया है। कुकी समुदाय के लोग मैतेई गाँव और जंगल में छिपे इस समुदाय के लोगों को तलाशने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह खुलासा विष्णुपुर जिले के फोगाइचो इखाई गांव में ग्रामीणों को ड्रोन मिलने से हुआ। यह ड्रोन 8 जून को मिला था। ड्रोन में लगे कैमरे में मोईरांग और आसपास के इलाकों के वीडियो फुटेज कैद थे। मणिपुर में एक बार फिर आरएएफ के जवान सिंगजेमई युमनाम लिकाई और मोईरांग खोम में मंगलवार तड़के निजी वाहनों और रिहायशी घरों की खिड़कियों को तोड़ते हुए दिखे। इनकी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 10 वाहनों के शीशे और 2 घरों की खिड़कियों के कांच तोड़े हैं। बताया जा रहा है कि आरएएफ के ये जवान मंगलवार तड़के करीब 2:20 पर सिंगजा मई से मेरा खोम की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने शीशे तोड़े। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।